Hi guys, welcome back to the channel. Today I'll show you how you can make maths worksheets for LKG and UKG students. You just need sketch pens, colorful sketch pens and few sheets to make these maths worksheets. So let's get into the video. This is my first worksheet. In this, the kids have to use the correct symbol of greater than and smaller than. For example, this is 63, this is 72. So yahan par kya aayega? Less greater than aayega ya less than? That means 63 is greater than or 72 is greater than 63. So yahan par 63 is smaller than 72. Then 44 and 21. So yahan par greater than 44 is greater than 21. 54 is greater than 24. 32 is smaller than 42. 28 is smaller than 29 and 33 is smaller than 43. तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके kids को greater than और smaller than का sign अच्छी तरीके से पता है या आपको दोबारा उनको revise कराने की ज़रूरत है. तो I think UKG और LKG के student को greater than and smaller than पता चल जाता है और आपको इन question से ये भी पता चल जाएगा कि उन्हें कितना समझ आया है. Now I'll move on to addition. LKG और UKG के स्टूडेंट्स को एडिशन आ ही जाता है, तो हम दो तरीके के एडिशन कर सकते हैं. एक तो जो डिजिट्स वाले एडिशन्स होते हैं, जैसे कि उसमें मैंने नंबर्स लिख दिया. यहाँ पे मैंने पिक्चर वाले एडिशन्स बताए हैं, लाइक दे हैव टू काउंट द बलून्स हियर, तो 1, 2, 3 प्लस 1 तो 4. इस तरीके से उनको फिर मैंने स्माइली बनाई है ताकि ये वर्कशीट्स बच्चों को अट्रैक्टिव लगे. लाइक आप अलग अलग इमोशंस वाली स्माइली उनके लिए बना सकते हो. Then I have made stars वाले, और आप जितना ज़्यादा colorful इसको बनाओगे stars को और बाकी इन सारे shapes को, उतना ज़्यादा kids को मज़ा आएगा. जैसे ये star अलग color का है, ये अलग color का है, ये अलग color का है, इनको ये सब count करके इधर जो right answer है वो लिखना है. उसके बाद में मैंने triangles बनाए हैं. आप जो भी चाहे shape बना दीजिए, चाहे square बना दीजिए, चाहे triangle, कुछ भी बना दीजिए, बस kids have to count these diagrams and उसके बाद उनको इधर आंसर लिखना है. उसके बाद में आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर कि हर स्कूल में सिखाते हैं कि नहीं, बाकी यूकेजी एलकेजी में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग तो आ ही जाती है. 1 to 50 तक आ जाती है, या कभी कभी 1 to 20 तक आती है, या 30 तक आती है. वो आप कैसे भी देख लीजिए, आपके बच्चे को कोर्स में जितनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग है वो आप उसे बोल दीजिए, वो पूरा यहाँ पर नीचे लिखेगा दूसरी शीट में. देन दिस इज माई सेकेंड वर्कशीट. दिस इज पिक्चर सब्सट्रैक्शन. जैसे मैंने वहाँ पे पिक्चर एडिशन करे थे, वैसे ही यहाँ पे पिक्चर सब्सट्रैक्शन है. तो आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी बड़ी डिजिट है, जो भी सब्सट्रैक्शन के लिए बड़ी डिजिट आपने ली है, उतनी आपको इमेजेस बनानी है. जैसे मैंने यहाँ पे 6 प्लस बनाए हैं, तो पहले वो काउंट करेगा 6 प्लस यहाँ पे, उसके बाद में वो 3 काउंट करेगा और वो देखेगा कि कितने प्लस बचे, तो वो इतने यहाँ पे लिख देगा. ऐसे ही मैंने ट्राइंगल बनाए हैं, टोटल ये 9 ट्राइंगल्स है. उसके अंदर से 9 के अंदर से वो 7 माइनस करेगा तो उसको 2 बचेगा, तो वो इधर 2 लिख देगा. तो वो पिक्चर से सब्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस करेगा. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है. इंस्टेड ऑफ डिजिट्स जैसे 23 में से 11 गया, या इससे अच्छा है कि आप उसको इस तरीके के पिक्चर से सिखाएं, तो आई एम श्योर वो जल्दी सीखेगा. ऐसे ही मैंने यहाँ पे 8 बॉल्स बनाई हैं. 8 बॉल्स वो पहले 8 काउंट करेगा, उसके बाद में से 2 उसको माइनस कर देगा, तो ये जितनी बॉल्स बची जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 ऐसे लिख देगा. ऐसे ही आप उसे सिखाइए कि ये 7 बॉक्सेस है, इसके अंदर से हमने 1 माइनस कर दिया क्योंकि 1 माइनस करना है, तो कितना बचेगा, तो 6. ये 3 है, इसमें से हमने 2 माइनस कर दिया तो 1 बचेगा. तो जिन बच्चों को सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, उनको डिजिट सब्सट्रैक्शन से बेटर होता है कि आप पिक्चर सब्सट्रैक्शन से सिखाइए, ताकि उसको सब्सट्रैक्शन अच्छे से समझ आ जाए. ओके, सो वील मूव ऑन टू आर थर्ड वर्कशीट. दिस इज बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर. अब जितना भी मैंने सुना है, मैंने हमेशा यही सुना है कि बच्चों को बिटवीन वाले में बहुत प्रॉब्लम आती है. बिफोर आफ्टर वो फिर भी कर लेते हैं, पर बिटवीन में प्रॉब्लम आती है. तो मैंने बिटवीन वाले को बीच में नहीं रखा है, मैंने पहले बिफोर रखा है, उसके बाद में आफ्टर, देन बिटवीन. तो बिफोर में जैसे आप कोई भी डिजिट ले लीजिए. अच्छा, अब ये है कि उसके कोर्स में जितनी जितनी काउंटिंग है आप उतने ही बिफोर में रखिए, आफ्टर में रखिए और बिटवीन में रखिए.
जैसे कि 7 से पहले 6, देन 9, आप ऐसे ये डिजिट्स डाल दीजिए, जैसे 31, अलग अलग डिजिट्स डालिए। अगर 70 तक, या मैंने 99 करके चला है कि 100 तक काउंटिंग बच्चों को शायद आ जाती है LKG UKG में, उसके सिलेबस पे डिपेंड करता है। काउंटिंग अगर 70 तक है तो आप 70 हाईएस्ट रखिए, वरना 50 रखिए, 99 रखिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू नो कि उनको बिफोर वाला कॉन्सेप्ट समझ आया क्या। उसके बाद में हमारा आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है, तो 9 के बाद 10, 15 के बाद 16, देन 94 के बाद में 95, ये भी मैंने वही 100 तक ही लेकर चली है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। अब ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसके अंदर आपको देखना है जैसे 26 के बाद में 27, देन 28, 34, 35, देन 36। अब आप ऐसे कीजिए कि बीच बीच के नंबर्स दीजिए, जैसे 59 लिया मैंने तो 60, देन 61, फिर मैंने यहाँ पे 88 लिया है, देन यहाँ पे मैंने 42 लिया है, फिर मैंने सबसे छोटा नंबर 21 या उससे भी छोटा 11 भी लिया है। तो आप पूरी काउंटिंग को इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए, और जिससे आपको समझ आ जाएगा कि उनको एक्चुअली में कितने नंबर्स पता हैं। देन दिस इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सो दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आना चाहिए। आप एरो से भी बता सकते हैं कि ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग का मतलब नीचे आना। तो जैसे इनमें से वो लिखेगा, अब आप अलग अलग कलरफुल बॉक्सेस बना दीजिए। मैंने ये ऐसे काफ़ी कलरफुल बॉक्सेस बनाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे आप नॉर्मल नंबर लिख लीजिए। जैसे मैंने इसमें कोशिश करी थी कि मैं लास्ट में सारे 4 लिखूं, एक मैंने ये 35 ऐसे करा है ताकि वो थोड़े कंफ्यूज हो जाए। तो आप उसको बोलिए कि असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखो, तो वो यहाँ पर पूरा ये आंसर लिखेगा। देन आई हैव यूज द बिगर नंबर 98, और उसके बाद में मैंने छोटा नंबर 19 भी लिया है ताकि पूरी काउंटिंग का उसका रिविजन हो सके। फिर मैंने यहाँ पे 1 लिया है, 96 है, देन 10 है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए और उसको बोलिए कि वो यहाँ पे आंसर लिखे। आई एम श्योर आपको अच्छे से पता चलेगा कि उसको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आता है कि नहीं। ये एक तरीके की रिविजन वर्कशीट भी आप दे सकते हो। देन दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर की एरो आप उसको लगाकर बताइए कि कैसे होगा। अब इसके अंदर भी जैसे मैंने एक बड़ा नंबर ले लिया है 81, फिर मैंने छोटा नंबर भी लिया है, यहाँ पर भी मैंने लिया है 12, तो 42, 43 ऐसे भी लिया है। तो कंफ्यूज करने की कोशिश कीजिए आप उसको, जैसे एक मैंने 100 लिया है इधर, फिर मैंने इधर 10 लिया है, तो वो इस तरीके से पूरी काउंटिंग को रिवाइज करके, पूरा काउंटिंग अपने ब्रेन में डालकर ही ये सॉल्व कर सकता है। 1 to 100 तक अगर काउंटिंग उसको अच्छे से आती है तो ही वो इसे सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएगा। और आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअली में उसको काउंटिंग कितनी आती है। देन सर्कल द बिगर नंबर एंड सर्कल द स्मॉलर नंबर, तो ये सारे आप कोशिश कीजिए अलग अलग नंबर लिखने की। वो इस पर सर्कल करके बताएगा, जैसे 95 है, उसको कन्फ्यूजन भी हो सकता है इसके अंदर, तो कन्फ्यूजन में आपको पता चलेगा कितना समझ आया। जैसे मैंने काफ़ी करीब वाली लिखी है, 39, 30, इस तरीके से ये 70 वो करेगा। फिर ये है 11, ये सारे मतलब 10 से लिया है, 98 भी लिया है, तो फिर आपको पता चलेगा कि उसको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। देन स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर में जैसे उसको 21 को वो करना है, इससे आपको एक स्मॉलर और बिगर नंबर का तो पता आपको चलेगा ही, साथ में आपको ये भी समझ आएगा कि इंस्ट्रक्शंस कितने फॉलो कर पाता है। क्योंकि हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो पर उसको इंस्ट्रक्शंस ही ना पता हो कि किस तरीके से करने हैं, तो इसमें आपको दोनों चीज़ों का पता लग जाएगा। अब जैसे इसके अंदर है 8, 9, 10, मैंने तीनों नंबर बहुत ही पास के ले लिए हैं ताकि वो थोड़ा कन्फ्यूज़ हो और उसको करने में पता चले कि एक्चुअली में आंसर क्या होगा। फिर वही मैंने पास पास के नंबर लिए, 11, 15, 14, ये 0, 2, 0, 1 इस तरीके से लिए हैं, 10 लिया है और 0, 1 लिया है कि वो कन्फ्यूज़ होता है क्या कि 10 कैसे लिखा जाता है, 1 कैसे लिखा जाता है, 0, 9, 0, 6 ये। तो आप ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, जैसे ये थोड़ा मैंने ट्रिकी डाल दिया, ये थोड़ा मैंने इजी डाल दिया, ये भी थोड़ा इजी, तो आप ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड कीजिए और आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितना समझ आता है। देन दिस इज द लास्ट वन। अब आई गेस LKG UKG के सिलेबस में 2 और 3 की टेबल तो आ ही जाती है, तो मैंने ऐसा करा है कि मैंने एक कैटरपिलर बना दिया है और यहाँ पे उनको 2 की टेबल लिखनी है। जैसे 2, 2 2 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, तो ये इस तरीके से एक तरीके से गेम भी बन गया और टेबल का रिविजन भी हो गया। यहाँ पर भी ऐसे जैसे 3 1 3, 3 3 9, 3 2 6,
इस तरीके से ये सर्कल का हो गया, तो एक तरीके का पजल भी हो गया। और उनको ये यहाँ का वो करना पड़ेगा, जैसे 3 × 4 कितना होता है, 3 × 6 कितना होता है, ये 18 होता है, तो इस तरीके से उनको लिखना है। तो ये मेरी वर्कशीट्स हैं, आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड आई एम टेलिंग यू दिस विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, और 20 मिनट्स में आपकी सारी वर्कशीट बन जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा मैथ्स में कैसा है। तो दिस कैन बी द रिविजन वर्कशीट, और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हो जाएगी। मैं आगे और ऐसी वर्कशीट्स लेकर आती रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय।